जियो फाइनेंस पहले भी इस पे बात होती रही है, लंबे अवधि के निवेश के लिए इसको देखना चाहते हैं संदीप पचारिया, तो इस पर आपका सुझाव क्या है? क्या नए निवेश के लिए मौजूदा भाव ठीक है? लास्ट क्या देखा था? नहीं देखिए, साइकिल टारगेट में तो अभी है, समय है, 450 के ऊपर ही बैठता है। मेरा अंदाजा आज के डेटा से ऐसा है कि अभी भी बाय डिप्स का कैंडिडेट है, और 350 के नीचे ही इसमें कोई भी ट्रेंड नेगेटिव होना है तो होना है। इन बिटवीन कोई इशू मुझे नहीं लगता है। 350 के नीचे इसमें ट्रेंड नेगेटिव होगा और प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो 100-100 रुपये तक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक वो जी नहीं होता है तब तक सब ठीक है। अपसाइड टारगेट अभी भी ओपन है, बाकी फंडामेंटल वैल्यूएशन पे जाएंगे तो बात डिस्कशन नहीं हो पाए, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस लेवल से ही बात कर लेते हैं। जी और फंडामेंटल डिस्कशन के लिए अभी मतलब बिजनेस भी उस तरह से तो सामने आया नहीं है ना, कि आप उसके बारे में सोचे कि हाँ जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हो रही हैं कितनी नहीं हो रही हैं, तो अभी वो डिस्कशन तो हो ही नहीं सकती। सही बात है, लेकिन हाँ यही है कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स में तो जो ग्रोथ दिख रहा है उसमें उसके बेसिस पे तो बात किया जा सकता है, लेकिन अभी अच्छे डिस्कशन के लिए तो समय है। जी तो फिलहाल इसको ज्यादा टेक्निकली ही देखना सही रहेगा, और उसके हिसाब से मतलब क्या कहीं पर इसमें थकान बननी शुरू हुई है या अभी वो फेज दूर है इससे? देखिए, इस बारी के रिजल्ट में जो दिख रहा है ना, सेल्स एकदम फ्लैट हो गया है और प्रॉफिट भी एकदम ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, तो इसलिए ये जितना राइज हो गया है थोड़ी थकान तो होगी ही, लेकिन इसमें होप इतना बना हुआ है अभी कि मोमेंटम है। तो 350 के नीचे जब तक नहीं जाता है, इन सब रिजल्ट के बावजूद भी मोमेंटम बना रहना तो मार्कर 350 पे होना चाहिए, उसके नीचे अगर जाने लगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। उससे पहले फिलहाल मोमेंटम इसका जो है उसका मजा लिया जा सकता है।